बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। वेलकम करते हैं नसे अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं ब्रेड मलाई रोल, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से इस बार ये वाला मीठा बनाएंगे तो आपके ईद को चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल मलाई की तरह मुँह में जाते ही घुल मिल जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने हाफ लीटर दूध लिया है, बिल्कुल भैंसों का दूध है, यानी कि मैंने फ्रेश दूध लिया हुआ है। तो अब नीचे आग जला लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसके अंदर मैं डालूंगी चार चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। दूध को उबाल आने देते हैं उतनी देर तक हम। ये देखिए, मैंने चार से पाँच चम्मच के करीब मैंने दूध लिया हुआ है। तो अब इसके अंदर मैं कस्टर्ड डाल देती हूँ। मैंने बनाना कस्टर्ड लिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। दो चम्मच मैं इसके अंदर कस्टर्ड के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करके तो फिर दूध में उबाल आ जाएगा, तो उस वक्त हम डाल देंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर बना कर देखें। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है मेरे किचन में, तो आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो चले अब दूध को उबाल आने देते हैं, इन्हें साइड पे रखते हैं। जब दूध को उबाल आ जाएगा तो हम उस वक्त इसमें डालेंगे। दूध को उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, अब इसके अंदर हम कस्टर्ड डाल देते हैं जो हमने दूध में मिक्स करके रखा हुआ है। पहले डालते जाएंगे और साथ ही हिलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आधा किलो दूध के हिसाब से मैंने जितनी भी चीज़ें चीनी और कस्टर्ड जो भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल परफेक्ट बताया है आपको। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, तो बिल्कुल सही बनेगा। तो चलिए इसे गाढ़ा होने देते हैं अब। तो साथ ही मैं दो से तीन इलायचियाँ डाल दूँगी। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और थोड़े से मैं इसके अंदर डालूंगी बादाम, जिसकी मैंने कटिंग करके रखी हुई थी पहले। चलिए अब उतनी देर तक पकाते हैं इसे, जब गाढ़ा नहीं हो जाए, गाढ़ा होने तक। रबड़ी वाला दूध बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें। बस इसी तरह का हम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। जब हम ब्रेड के ऊपर डालेंगे तो उसने भी तो जज़ब करना है ना, तो बस इतना ही गाढ़ा हम रखेंगे। तो चलिए इन्हें ठंडा, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अगला स्टेप करते हैं। छः से सात आदद मैंने ब्रेड ले लिए हैं, ये देखें। मैंने एक को बना कर रखा हुआ है, तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह का तरीके से हम बनाएंगे। मैंने छः से सात ब्रेड लिए हुए हैं, इस तरीके से बेलने से बेल लेंगे इन्हें। तो इनके किनारे उतार देंगे हम। अगर फ्रेश ब्रेड हो तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल ही टूटते नहीं हैं। तो लिए तो मैंने भी थे फ्रेश ही, तो लेकिन पता नहीं क्या बात है, इन्होंने टूटने लग जाते हैं जल्दी से। बाज़ार से कह के भी लेके आओ फ्रेश देना, तो इसी तरह के देते हैं। सारे ब्रेडों को मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे बना लेने लगी हूँ। इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो अब इनके भी किनारे उतार देते, किनारे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हम इससे ब्रेड ग्राम बना लेंगे, क्योंकि इनको तो बिल्कुल ही नहीं है ना ज़ाया करना हमने। इनसे अच्छे खासे ब्रेड ग्राम बन जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसी तरीके से सारे तैयार करके इधर साइड पे रख लिए। तो चलिए अगला स्टेप करते हैं। ये देखिए, मैंने बिल्कुल
फ्रेश मलाई ली हुई है ये देखें, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी के, अगर आपके पास पिसी हुई है चीनी तो वो आप डाल लें, अगर नहीं है तो इस तरह साबुत ही मेथी डाल लें आप। लो 2 चम्मच चीनी के और 2 ही चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर सूखा हुआ दूध, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं तो 2 चम्मच ही डाल रही हूँ इसके अंदर। तो अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखें सारी चीज़ों को तो हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लिया है। चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं, एक ब्रेड उठाते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका रोल बना देंगे, इस तरीके से बना के ना, ये देखें इस तरीके से बना के, तो हमने जिस चीज़ में हमने डिश आउट करना है ना उसी में ही रखते जाएंगे इसी तरह से। तो सारों के ऊपर इसी तरीके से मैं लगा के तो बना के रख लेती हूँ। ये देखें मैंने एक और मैंने बना लिया, बना के आप लोगों को दिखा दिया। इस बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनता है, अगर आप लोग बनाएंगे तो सभी आप लोगों की वाह वाह करेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बना के तो रख लेते हैं। ये देखें मैंने सारे ब्रेडों को तैयार कर लिया है मलाई लगाकर, तो अब इसके ऊपर जो हमने रबड़ी बनाई हुई वो डालते हैं। ज़्यादा ठंडी करके नहीं डालनी, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी गर्म भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेड बिल्कुल जज्ब कर लेंगे और नरम हो जाएंगे बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह। तो इस तरह इसके ऊपर डालेंगे। इसी तरीके से ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें मेरे इस बॉल के अंदर सिर्फ 4 ही आए थे, तो मैंने 4 इसके अंदर रख दिए, तो 3 मैंने, अब इसको साइड पे करते हैं, 3 मैंने इसके अंदर रख दिए, तो बाकी जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से ऊपर। अगर थोड़ा थोड़ा सा जो हमने रबड़ी बनाई है वो थोड़ी थोड़ी सी गर्म ही होगी तो ऊपर डालेंगे तो बहुत ही नरम बिल्कुल मलाई की तरह बन जाएंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, आगे ईद आ रही है, ईद पर बनाएं और मेहमानों को भी खुश करें और घर वालों को भी खुश करें इस तरीके से बना के। तो अब इसके ऊपर हम डालते हैं, अगर आप लोगों के पास पिस्ता है तो वो डाल सकते हैं आप, मेरे पास नहीं था तो मैंने, ये देखिए बादामों की मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई है, ये ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। और थोड़ी सी हम डालेंगे गिरी, जो हम मैंने इसको भी मैंने क्रश करके रखा हुआ, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास यही चीज़ ऐसी तो मैं तो यही डाल रही हूँ। तो अब ये देखें इसकी फाइनल लुक, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और फिर बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो ये देख लें कितनी मज़े की बनी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इस तरीके से लगती हैं। मैंने कहा आप लोगों को नज़दीक से दिखा दूँ, ये देखिए कितने प्यारे और कितने मज़े के बने हुए हैं। चलिए अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो गए थे फ्रिज में रखे हुए, तो मैंने बाहर निकाल लिए। ये देखिए कितने ब्रेड मलाई रोल बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कितने नरम और कितने मलाई की तरह बने हुए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से। जैसे आगे ईद आ रही है तो आप ईद पे बनाएं और मेहमानों के आगे पेश करें तो अपनी वाह वाह करवाएं, इतने मज़े के बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।